माई चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के हिसाब से और गिल्वेनिक सेल के हिसाब से, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसकी क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में, और गिल्वेनिक सेल की क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो एप्लीकेशन हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं वो कौन सी है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल। कि हम सोडियम मेटल को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम क्या नाम देते हैं, डाउन्स सेल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डाउन्स सेल है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो सोडियम मेटल की प्रोडक्शन करने में हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमारे पास ना डेफिनेशन आ जाती है डाउन्स सेल की। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टन NaCl। ठीक है, तो हमारे पास डाउन्स सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो मैन्युफैक्चर करता है सोडियम मेटल की बाय यूजिंग मोल्टन NaCl। अब हमारे पास ना जो दोनों एग्जाम्पल्स है ना, उनमें हम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली एग्जाम्पल है उसमें हम मोल्टन NaCl को यूज करेंगे, जो हमारे पास गिल्वेनिक सेल वाली एग्जाम्पल है उसमें हम जो एक्वस NaCl है ना, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में NaCl है, उसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्या है कि हमने मोल्टन NaCl लिया हुआ है, और दूसरी क्या है कि हमने एक्वस NaCl लिया हुआ है। ठीक है, एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। तो ये हमारे पास डाउन्स सेल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्कवरी। डाउन्स सेल को डिस्कवर किया था अमेरिकन केमिस्ट जेम्स क्लॉयड डाउन्स ने। ठीक है, अमेरिकन केमिस्ट थे जेम्स क्लॉयड डाउन्स, उन्होंने डाउन्स सेल को डिस्कवर किया था कि डाउन्स सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला मैकेनिज्म यूज करके हम सोडियम मेटल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाती है, आपकी स्क्रीन पे भी जो है वो डायग्राम शो हो रही होगी। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास किस तरह होती है डाउन सेल की, इसमें आयरन का बना हुआ कैथोड होता है और कार्बन का बना हुआ एनोड होता है। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम क्या यूज करते हैं, NaCl जो के मोल्टन होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो स्टील गॉज से सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, यानी हमने उन्हें स्टील की मदद से सेपरेट किया होता है। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन की या इसकी वर्किंग की। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की आपने वर्किंग डिस्कस की हुई है ना हमने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उधर जाके देखना कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गिल्वेनिक सेल की वर्किंग डिस्कस की हुई है। ठीक है, तब ये वाली वीडियो आके दोबारा देखना, तब आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन है, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग जो है वो डिस्कस करते हैं ना, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना उसकी आयोनाइजेशन होनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हमेशा आयोनाइजेशन का होता है। तो NaCl की आयोनाइजेशन हमारे पास होगी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ना एनोड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले अब एनोड पे हम देखेंगे, तो एनोड में हमारे पास क्या हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास इधर जो क्लोराइड आयंस हैं वो एनोड की तरफ आएंगे, तो क्लोरीन की क्या हो रही है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोराइड आयंस जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्लोरीन गैस में और साथ टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे पास जो डाउन सेल होता है ना तो उसमें हमारे पास क्या होता है, डाउन सेल में एक आउटलेट दिया होता है जहां से ये क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है, क्योंकि मैकेनिज्म का पता है ना हमें, तो हम कंस्ट्रक्शन में आउटलेट रखते हैं ताकि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो बाहर निकल जाए। तो क्लोरीन जैसे ही प्रोड्यूस होती है वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैथोड। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। तो इधर टू Na पॉजिटिव आइंस जो है वो जाएंगे और टू इलेक्ट्रॉन्स उनमें ऐड होंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टू Na जो सोडियम मेटल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन लिक्विड फेज में।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे पास 2NaCl हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया था, तो हमारे पास क्या बन गया, 2Na लिक्विड फेज में बन गया और क्लोरीन हमारे पास गैस फेज में बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डाउन्स सेल का जो था वो पूरा रिएक्शन था। गैल्वेनिक सेल का जो एप्लीकेशन है उसकी, कि हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है वो किस में यूज होता है, तो हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल है उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, NaOH प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl जो होता है ना उसे हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आएगी किसकी, या मैं ऐसे ही लिख देती हूं, इधर हम डिस्कस कर रहे हैं नेल्सन सेल को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने किसको डिस्कस किया था, डाउन्स सेल को, इधर हम डिस्कस कर रहे हैं नेल्सन सेल को। तो नेल्सन सेल की हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है, द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल used for the production of NaOH, या इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, from brine solution। ठीक है, तो ये हमारे पास नेल्सन सेल की डेफिनेशन है, कि नेल्सन सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिससे हम NaOH को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डिस्कवरी। तो हमारे पास जो नेल्सन सेल है उसे डिस्कवर किया था जे नेल्सन ने 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास परफोरेटेड आयरन कैथोड होता है, ठीक है, नेल्सन सेल में, और साथ हमारे पास होता है ग्रेफाइट एनोड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा होता है वो हमारे पास होता है एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है नेल्सन सेल की। आपको स्क्रीन्स के ऊपर डायग्राम भी शो हो रही होगी नेल्सन सेल की, कि किस तरह नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ना नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी वर्किंग आ जाती है। अच्छा, हमारे पास ना इधर हम परफोरेटेड आयरन कैथोड यूज कर रहे हैं। परफोरेटेड जो वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है होल्स, यानी कि हमारा जो कैथोड है ना उसमें होल्स हैं। इस तरह है, आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, इस तरह का हमारे पास ना कैथोड है। तो वो इस तरह क्यों हमने यूज किया कैथोड को, क्योंकि हमारे पास जो NaOH प्रोड्यूस होगा वो क्या हो, साथ ही साथ वो बाहर निकलता जाए, तो कैथोड हमारे पास इसीलिए क्या होता है, परफोरेटेड होता है। तो अब हमारे पास जो वर्किंग है उसमें सबसे पहले क्या आएगी, आयोनाइजेशन आएगी। तो मैं इधर ही लिख देती हूं, हमारे पास जो आयोनाइजेशन है, अब हमारे पास जो नेल्सन सेल है ना उसमें हमारे पास क्या होगा, अब पहले जो हमने डाउन सेल डिस्कस किया था ना उसमें NaCl ना मोल्टन फॉर्म में था, यानी खुद NaCl ही अकेला इलेक्ट्रोलाइट था,
लेकिन इधर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। यानी इधर हमारे पास ना दो तरह की चीजें होंगी, इधर हमारे पास जो है आयोनाइजेशन के लिए एक तो NaCl होगा और एक साथ क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन बना हुआ है ना वाटर में। तो इधर हमारे पास ना फोर टाइप्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, उसी तरह हमारे पास ना 2H+ प्रोड्यूस होंगे और 2OH नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह हमारे पास आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास ना इन चारों आयंस में से ना वो वाला कौन सा आयन होगा जो एनोड की तरफ जाएगा और कैथोड की तरफ जाएगा, तो ये चीज हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो डिसाइड करेगी। अगर आपने मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है, कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो डिसाइड करती है कि हमने ना आयंस ने ना एनोड की तरफ जाना है या कैथोड की तरफ, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो। तो इधर हमारे पास अब कितने आयंस हैं, यानी कि अब ये हमारे पास एक पेयर है आयंस का, ये पॉजिटिव आयंस है, उसी तरह हमारे पास एक और पेयर है आयंस का जो कि नेगेटिव आयंस है। अब हमारे पास ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो एनोड होता है ना, एनोड पे हमारे पास क्या होगा, एनोड पे हमारे पास ना क्लोराइड आयंस जो है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे और हमारे पास जो OH नेगेटिव आयंस है वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे, वो नहीं जाएंगे एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है। तो इधर क्लोरीन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। उसी तरह हमारे पास कैथोड जो है उस पे क्या होगा, कैथोड में हमारे पास H+ आयंस जो है वो जाएंगे, क्योंकि सोडियम आयंस और H+ आयंस में से रिडक्शन पावर किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन आयंस की। तो इधर हमारे पास जो हाइड्रोजन है 4H+ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना देंगे, 2H2 गैस, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी आउटलेट से बाहर। अब हमारे पास जो बाकी आयंस बच गए हैं, एक सोडियम का बच गया, एक OH का, तो 2Na+ और 2OH- मिल के आपस में क्या बना देंगे, 2NaOH, जो कि क्या है, हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होता है हमारी जो पूरा नेल्सन सेल का सेटअप है ना उसके अंदर, कि हमारे पास जो NaOH है वो इस तरह प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो आयंस हैं उनके कंपटीशन की वजह से क्या होता है, ये दोनों आयंस जो है वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं, तो ये आपस में कंबाइन होके NaOH बना देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास होगा 2NaCl प्लस 2H2O। तो बनेगा क्या क्या, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से बने, क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी और साथ हमारे पास 2NaOH जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है नेल्सन सेल का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।